कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और माँ की बद्दुआ को भी टाली नहीं जाती, कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और माँ की बद्दुआ को भी टाली नहीं जाती। एक माँ से चार बच्चे पाले जा सकते हैं पर चार बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। तो माँ के लिए दो लाइन कैसे कहना है? कि जग में माई बिना के हुओ अरे सहाय न होई केहू कितनो दुलारी बाकी माई न होई। कि जग में माई बिना के हुओ अरे सहाय न होई केहू कितनो दुलारी बाकी माई न होई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। और गाइज आज बहुत खुशी का दिन है क्योंकि आज हमारा भाई जो है आने वाला है। आप लोग को किसी कोई जानते होंगे कोई नहीं जानते होंगे, लेकिन एक मेरे से भी प्रेम मतलब प्रेम से बड़ा भाई है और मेरे से छोटा, यानी हम लोग तीन भाई हैं। तो जो माझिल है वो आज आने वाला है। नहीं हाँ, आज हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि 6 महीना हो गया था उनको गए मुंबई, तो आज आ रहे हैं वो। और हमारे देखिए लाडो क्यूट लग रही है कि नहीं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। लाडो बेटा हेलो चाचू, बाय बाय। हेलो हेलो बुआ जी। तो भैया पूरी फैमिली आ गई है और निकलने से पहले मम्मी का आशीर्वाद ले लेते हैं। हाँ खुश रहो बेटा बहू, मेरा खुश रहे। और बेटा आप लोग भी मेरे बेटा बहू को खूब प्यार आशीर्वाद देना, हम आप लोग को प्यार आशीर्वाद देंगे। आप लोग जल्द से जल्द 10 के सब्सक्राइबर पूरा करें, हमको घूमना ही है। और वीडियो फुल देखना, लाइव करना, सब्सक्राइब करना और खूब सारा ढेर प्यार देना। तो आज देखिए एक और भाई आ जाएगा और व्लॉग में और अभी अच्छा लगने वाला है। और आज हम लोग जाने वाले हैं बड़ी गाड़ी से क्योंकि थोड़ा बहुत सामान भी है ना मम्मी उसके पास। हाँ सामान भी है। आज मेरा एक पहला बेटा और दूसरा इनका छोटा भाई आ रहे हैं। सबसे छोटे तो है वो माझिल सा है, माझिल। अब मनीषा खूब परेशान होगी। खूब लड़ता है जो आएगा। और प्रेम भी तो लड़ता है, गोविंद सबसे ज्यादा लड़ता है। पहले गोविंद लॉक करता था, अभी प्रेम लॉक कर रहे हैं। उधर देखो लाडो, उधर देख लो, उधर थोड़ा देख लो। हाँ अब देखिए जाके, अब देखिए। तो अभी दरवाजा अनलॉक करते हैं और बैठते हैं गाड़ी के अंदर। तो भी आ चुके हैं अभी गाड़ी के अंदर और देखो पीछे कौन कौन बैठा है। और मनीषा बनी इधर है, मम्मी इधर है, लाडो मम्मी के लिए। लाडो देखिए क्या कर रही है अभी। लाडो अपने में ही मस्त रहती है। टाइम लगभग यहाँ पर देखो भाई साहब 12:29 हो चुके हैं और काफ़ी लेट हो गए हैं, इसलिए कि रास्ते में ही रुक के वीडियो अपलोड कर रहे थे। वीडियो हमारा बन चुका था, एडिटिंग भी हो चुका था, लेकिन अपलोड नहीं हो पा रहा था, नेटवर्क का इशू था, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। फ़ोन आया था प्रेम गोविंद का? हाँ 3 बार आया है भैया का फ़ोन कि कब आओगे तुम। भैया रास्ते में रुक के वीडियो अपलोड कर रहे थे इसीलिए लेट हो गया। वो अभी 2 घंटा लेट हुआ है। जब से मेरी लाडो हुई है तब से हम गोविंद बाबू हमारे लाडो को देखे नहीं है। 6 महीने को होने वाली है, मतलब 5 महीने का हो गई है, 6th महीने लगने वाला है, अभी तक नहीं देखे हैं इसको, ना ही इनके दादू देखे हैं, ना बड़े चाचू देखे हैं। हाँ एक बात है, दादू इनके लिए ढेर सारा शॉपिंग करके कपड़ा वगैरह सब भेजे हैं। मेरी लाडो देखिए, लाडो तभी तो इतनी लाडो खुश है ना लाडो। आज हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि आज मेरा 3रा बेटा आ रहा है गोविंद, दूसरा बेटा, दूसरा बेटा। दो तो यहीं पे है लेकिन 3रा आ रहा है। तीन ही बहुत खुश हैं हम। बहुत ज्यादा कॉमेडी करते हैं व्लॉग और अच्छा लगेगा देखने में, देखिएगा। और हमारा एक और बेटा है राम मिलन, उनको मैं बेटा मानती हूँ। 3 बेटा तो यही है, अब चौथा आ रहा है। अब चारों बेटा मिलकर अपने में अब वीडियो बनाएंगे और सब परिवार हमारा खुश रहेगा। आज भी बहुत हम खुश हैं। और हम हस्बैंड जी के पीछे ही बैठे हैं ना जी। हाँ हाँ हमेशा पीछे ही बैठते हैं, देखते रहते हैं क्या कैसे ड्राइविंग कर रहा हूँ, भी हमको भी सीखना है ना इसीलिए। प्रेम का तो आदत ही छूट गया डिक्की में बैठने की, फिर से लग जाएगा आदत पकड़ाना है, क्योंकि ड्राइविंग सीखना है तो उनको डिक्की में बैठाएंगे तो ड्राइविंग। तो भैया आ चुके हैं हम देवरिया स्टेशन पे और गोविंद उस साइड इंतजार कर रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। और देखिए भाई ऊपर जाने का रास्ता यही है, तो अभी चलते हैं ऊपर यहाँ से। यहाँ से जो है हर एक प्लेटफॉर्म पे आप जा सकते हैं।
और देखो भैया इसी प्लेटफॉर्म से हम नीचे जाएंगे और देखो ये है देवरिया का क्या व्यू आ रहा है यहाँ से। यह स्टेशन का व्यू है और गोविंद जो है सामने इंतज़ार कर रहा है। और देखिए भाई तो भैया आ चुके हैं गोविंद के पास और देखिए चलो खुश रहो, मम्मी का आशीर्वाद ले लो। मेरा छोटा भाई है भैया फाइनली आ चुका गोविंद और ट्रेन निकल गया था। कितने बजे आए थे यहाँ पे? 10:30 बजे करीब में आप पहुँच चुका था। कितना देर वेट किए हो? लमसम दो डेढ़ घंटा तो वेट किया हूँ। रास्ते में हम लोग वीडियो छोड़ रहे थे तो इसीलिए काफी ज्यादा लेट हो गया था। इसका गला भी बैठ गया। कहाँ इतना ही सामान है कि और सामान है? अच्छा ये वाला देखिए इसमें क्या है, ये तो टीना लग रहा है, बाल्टी सामान है इसमें उसमें। और ये बैग है, इसमें सेव है, ड्रैगन है इसके अंदर। हेलो नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद होगा आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो अभी मैं फाइनली आ चुका हूँ देवरिया और क्या बताऊँ कि मतलब रास्ते में भी था तो बोरिंग फील हो रहा था और मैं अभी फाइनली देवरिया चौंक चुका हूँ। ये देखिए मेरा पूरा फैमिली है और मम्मी हैं, भैया हैं, भाभी हैं, अभी सभी से मिल के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए भैया अभी जो है सारा सामान लेके चलते हैं गाड़ी के पास, जो कि देखो वहाँ पे वो सामने हमारा गाड़ी लगा हुआ है वैगनार, और वहीं अभी चलते हैं सारा सामान लेके। देखो भाई इतना सारा सामान है अकेले लेके आया है और आते आते 2 घंटे से वेट भी कर रहा है। कौन कौन उठाएगा सामान? गोविंद तो पूरा ड्रम ही उठा लिया है। परेशानी तो नहीं हुई रास्ते में? नहीं नहीं परेशानी कुछ नहीं हुई। तो भैया आ चुके हैं गाड़ी के पास और देखो गोविंद पूरा ड्रम लेके चला आया है। अभी गाड़ी ओपन करते हैं, रखो इसके अंदर। सीधा सीधा रखोगे कैसे ही? नहीं ठीक रही जहाँ छोट का बैग हुआ, दो प्लेन एक पैक दो। अब बड़ा वाला सबसे मैं लिया हूँ। ठीक है बड़ा वाला इसके ऊपर डाल दो, आ जाएगा। हाँ चलो सही है, ठीक है हो गया। अभी बंद करते हैं इसको, अभी चल रहे हैं गाड़ी में बैठने के लिए। उससे पहले मैं बता दूं गोविंद सिंगर भी है। गाना गाते हो ना? हाँ। एक गाना गाके सुनाओ गाइस। मैं बता दूं कि मम्मी का बहुत याद आ रहा था और सब कोई जानता है कि मम्मी से सभी कोई प्यार करता है, तो मम्मी के लिए 2 लाइन कैसे कहना है कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और माँ की बद्दुआ को भी टाली नहीं जाती, कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और माँ की बद्दुआ को भी टाली नहीं जाती। एक माँ से 4 बच्चे पाले जा सकते हैं पर 4 बच्चों से 1 माँ पाली नहीं जाती, तो माँ के लिए 2 लाइन कैसे कहना है? कि जग में माई बिना के हुओ अरे सहाई न हुई, केहू कितनो दुलारी बाकी माई न हुई। कि जग में माई बिना के हुओ अरे सहाई न हुई, केहू कितनो दुलारी बाकी माई न हुई। और गाइज मैं बता दूँ आ रहा था तो पापा का भी बहुत याद आ रहा था गाइज, और मैं बता दूँ मेरी मम्मी मेरे गाने पे बहुत, मम्मी रो रही है गाइज, मेरे को भी बहुत मतलब वो लग रहा था गाइज, वहाँ पे मन नहीं लग रहा था इसके कारण मैं आ गया। और पापा के लिए भी 2 लाइन कैसे कहना है कि चंदा ने पूछा तारों से, अतारों ने पूछा हजारों से, कि चंदा ने पूछा तारों से, अतारों ने पूछा हजारों से, कि सबसे प्यारा कौन है? सबसे प्यारा कौन है? मम्मी पापा। पापा ओ मेरे पापा, पापा ओ मेरे पापा। गाइस तो इतना वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अगर अच्छा लगा तो इतना वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये मेरे पापा के पास वीडियो पहुंच जाए और मेरे पापा भी ये वीडियो देखे। और गाइज मैं बता दूं कि बहुत मतलब फैमिली से मिलके मुझे बहुत खुशी हुई है। छोटा भाई हमारा गाना सुनाया है और देखिए मम्मी भी रोने लगी। लाडो देखिए अपने चाचू कहाँ रो रही है मम्मी? ये लाडो वैसा ही है, एक गाना भी वैसे गाते हैं, खाली माँ पर और भाई पर
यही गाता है। अभी गाड़ी के अंदर चलते हैं। भैया आए हैं, जो कि उस दिन एक्सीडेंट हमारा हुआ था ना, तो वही उसी के वजह से देखो यहाँ पर थोड़ा सा टूट गया था, स्क्रेच थोड़ा यहाँ आया था, और जो ये वाला टूटा था अभी देखो जो अंदर से वो निकला था वो अभी भैया सही कर दिए हैं, और बाकी जो भी कुछ प्रॉब्लम था अभी यहाँ पे सही करवाने आया हूँ। आए थे गोविंद को रिसीव करने देवरिया ना, तो सोचे साथ ही साथ ये भी करवा लेते हैं। उस दिन बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि फेक वीडियो है, लेकिन फेक नहीं था भाई, एक्सीडेंट रियल में हुआ था। और अभी देखो अंदर से पूरा फिट हो गया है, जो अंदर से ये रेडिएटर निकला था ना यहाँ पे, वो वाला अभी पूरा फिट हो चुका है, तो अभी गाड़ी में अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी खर्चा आया होता ना, ज्यादा खर्चा आया होता ना, रेडिएटर कंडेंसर सब टूट टूट गया होता, तो भैया बता रहे हैं कि अभी बहुत ज्यादा खर्चा आया होता अगर कुछ दिन में नहीं बनवाए होते तो ना, लेकिन सही टाइम पे दिखा लिए हैं तो सही हुआ, अभी सही हो गया सब कुछ। तो फाइनली भैया गाड़ी हमारा जो है बन चुका है, और आगे से देखो फिर सब कुछ यहाँ पे पार्ट जितना भी निकला था सब टोटल फिट हो चुका है। और भैया अभी जो डर था, रेडिवाटर बोलते हैं, और पता नहीं भैया क्या बता रहे थे, बोल रहे थे अगर वो डैमेज हुआ होता ना तो बहुत ज़्यादा खर्चा आता, लेकिन ज़्यादा खर्चा आया नहीं है, मात्र 500 रुपया लगा है और 500 रुपये में हो गया है। ये मेरा फ़ोन था जो ख़राब हो गया था, जब भी YouTube भैया का YouTube वीडियो देख रहे थे ना तब फ़ोन ऑफ स्विच ऑफ हो जा रहा था, बार बार किसी का कॉल भी आ रहा था तो स्विच ऑफ, वहीं भैया लेकर जा रहे हैं इसको बनवाने के लिए। तो भैया अभी आ चुके हैं वीवो केयर में, जहाँ मनीषा का मोबाइल ख़राब हुआ था ना उसी को दिखाने के लिए, और देखिए हमारी लाडो चलोगी भैया, चलोगी साथ में? देखिए भैया सामने जो है वीवो ऑथराइज सर्विस सेंटर है, और इसी के अंदर अभी चलेंगे हम। ये आए हैं वीवो सेंटर में और अंदर मोबाइल दिखाने के लिए, तो मोबाइल में ये प्रॉब्लम भैया बताए हैं कि इसका बैटरी का प्रॉब्लम है, बैटरी का प्रॉब्लम है ना, हाँ ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जा रहा है, चार्ज में लगाने पे शायद चल रहा है और उसके बाद जैसे ही चार्जिंग से बाहर आता है स्विच ऑफ हो जाता है। 1300 का बैटरी आता है, कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन वैसे बैटरी भी शॉर्टेज है इनके पास, यानी बैटरी है नहीं, और कब आएगा ये भी कोई कन्फर्म नहीं है, तो चलते हैं पूछते हैं, जब भी आएगा मतलब ऑर्डर देना पड़ेगा, उसके बाद से मंगाएंगे, लेकिन गारंटी कोई नहीं है कि कब तक आएगा। तो अभी आप सभी को बता दे तो हम 28 घंटा से सफ़र कर रहे हैं और हालत ख़राब हो चुका है, और अपनी गाड़ी में बैठे हैं और घर पे जा रहे हैं, और मेरा फ़ोन नहीं बना, भैया बोल रहे कि इसका बैटरी चेंज करवाना पड़ेगा, और जिस दुकान में गए थे वहाँ पे बैटरी ही नहीं था। भैया बोल रहे हैं ना कि तुमको नवा वाला फ़ोन तुमको दे देने के लिए, और यह पुराना वाला मुझे देने के लिए। तो भैया जैसे घर पे आए हैं ना तो कुछ सब्सक्राइबर मिलने चले आए हैं, और कहाँ से मिलने आए हैं ये हम आपको बताते हैं। तो देखिए भैया यही है, कहाँ से आए हैं भैया? हमारे तमकुहिरा से। अच्छा तमकुहिरा से आए हैं जी, और निकले हम लोग घर से 10:30 बजे। आप तमकुही रोड से आए हैं ना, कितना किलोमीटर है लगभग तमकुही से? तमकुही रोड कम से कम पड़ेगा 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर। तो भैया आए हैं मिलने के लिए हमसे, और हम एक्चुअली चले गए थे आप लोगों को पता ही है देवरिया गोविंद को रिसीव करने के लिए। तो चलिए भैया बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और चैनल का नाम अपना बता दीजिए। मिस्टर दीपूरा जो ऑफिशियल नाम है मेरा चैनल का दोस्तों। तो भैया जाइए चैनल पे सपोर्ट दिखाइएगा, और एक कहाँ है सिस्टर? तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब बताइएगा जरूर। और भैया के घर पे आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, और भैया का फैमिली बहुत अच्छा है दोस्तों, और हमें भी भैया का चैनल देखते हैं, तो हमारे चैनल पर जाइए और हमको भी आगे बढ़ाइए, और जैसे भैया को प्यार दुलार दे रहे हैं वैसे हमको भी दीजिए। का नाम है चैनल का बता दीजिए? अर्चना ऑफिशियल 101 मेरा चैनल का नाम है दोस्तों। तो जाइए इनके चैनल विजिट करिए, और वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब लाइक सब कुछ दीजिएगा। तो गाइस अभी आ चुके हैं हम लोग घर पे, और अभी जो हमारे मिलने सब्सक्राइबर आए थे वो लोग भी अपने घर निकल चुके हैं, और शाम के 5 बज चुके हैं, और देखिए भाई इतना सारा सामान इसके अंदर है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। लगभग कितना का सामान है गोविंद? लमसम 45,000 तक का। 45,000 तक का इसके अंदर सामान है, और ये सामान जो है कल के ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि इसके अंदर से क्या क्या निकलेगा। भाई साहब वो खिलौना लाडो के लिए आया है ना, और इतना अच्छा अच्छा तोहफा इसके अंदर आया है कि आप देख लोगे ना तो पागल हो जाओगे। और ये सारा सामान जो है पापा भेजे हैं, मुंबई से भेजे हैं। अगर पापा के बारे में भी आप लोग कुछ जानना चाहते हो तो कल का व्लॉग मिस मत करना, और ये भी जानना चाहते हैं कि पापा ने इसके अंदर क्या क्या भेजा है, तो भाई साहब कल का व्लॉग मिस मत करिएगा, कल का व्लॉग जरूर देखिएगा। तो चलिए गाइस आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, व्लॉग अच्छा लगा तो व्लॉग को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और अभी तक आपने हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जाइए यहाँ पर
स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, जाइए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए या फिर गौतम ब्लॉग्स भी जाके इंस्टाग्राम पे सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।